चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं उत्तराखंड से आई अहम खबरों का। आपको बता दें कि यूएई के दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो अबू धाबी में निर्माणाधीन हिंदू मंदिर का दौरा करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने ईंटें रखकर कार सेवा भी की। मुख्यमंत्री ने खुशी जताई, खुशी जताते हुए कहा कि यूएई में हिंदू मंदिर बन रहा है जो कि बहुत अद्भुत है। यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण का काम हम सब के लिए गौरव का क्षण है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं इस अवसर पर सभी निर्माणकर्ताओं को, सभी संयोजनकर्ताओं को नमन करता हूं। साथ ही पीएम मोदी के बारे में उन्होंने कहा कि हम पीएम मोदी का भी आभार व्यक्त करते हैं, उनकी प्रेरणा से ही मंदिर का काम हो रहा है। बताते चलें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दौरे के लिए यूएई पहुंचे थे। इस दौरे पर पुष्कर सिंह धामी ने दुबई में रोड शो में अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और NRI उद्योगपतियों को संबोधित भी किया था। तो 14 फरवरी 2024 को इसका उद्घाटन होना है। यूएई में एक और हिंदू मंदिर होने जा रहा है, इसकी क्या खासियतें हैं वो आप समझ लीजिए। 2015 में यूएई सरकार ने दरअसल ज़मीन दी थी इस मंदिर के लिए और 2018 में पीएम मोदी ने इस मंदिर की आधारशिला रखी थी। और साथ ही साथ अहम जानकारी और बता दें आपको कि दरअसल रेगिस्तान में खिलने वाले कमल जैसा ये मंदिर जब पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तो नजर आएगा। और यूएई में फिलहाल ये स्वामी नारायण मंदिर जो है इसका निर्माण कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है, वहां पर ये मंदिर बन रहा है। तो 14 फरवरी 2024 वो तारीख जब ये मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। तो यूएई के अबू धाबी पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हिंदू मंदिर जो वहां पर बन रहा है उसके निर्माण कार्यों का जायजा लिया और ईंटें रखकर कार सेवा भी की। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताते हुए वो नजर आए, कहा कि उनकी वजह से ही ये पूरे मंदिर का निर्माण जो है वो हो रहा है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में इस मंदिर की आधारशिला रखी थी और अब 2024 वो सन जब कहा जा रहा है कि ये मंदिर पूरा बनकर तैयार हो जाएगा और इसके बाद इस मंदिर का उद्घाटन होगा। तो हिंदू मंदिर का निर्माण कार्य कितनी तेजी के साथ चल है ये देखने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचे क्योंकि अबू धाबी के दौरे पर हैं। यूएई के अबू धाबी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचे। तो यूएई में एक और हिंदू मंदिर जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा और अबू धाबी में दरअसल ये मंदिर जो है वो बन रहा है और यूएई में बन रहे स्वामी नारायण मंदिर 14 फरवरी 2024 को इस मंदिर का उद्घाटन होगा। तो 2015 में यूएई सरकार ने इस मंदिर के लिए जमीन जो थी वो दी थी और 2018 में पीएम मोदी ने आधारशिला इस मंदिर की रखी थी। तो तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे ये मंदिर जो है पूरा आकार ले रहा है और बनकर तैयार हो रहा है। एक एक चीज़ को बड़ी नक्काशी के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ तैयार किया जा रहा है और 2024 में ये मंदिर पूरा बनकर तैयार हो जाएगा और इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो यूएई के अबू धाबी पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी, जिन्होंने तमाम तैयारियों का, निर्माण कार्यों का हिंदू मंदिर के जायजा लिया। इस खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए, ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हरीश सीधा जुड़ चुके हैं और हरीश से हम जाने की कोशिश करते हैं। हरीश, तैयारियां पूरी मुकम्मल होने के कगार पर पहुंच चुकी हैं क्योंकि 23 में हम बैठे हैं अभी और 24 में इसका उद्घाटन होना है। फिलहाल और क्या कुछ अहम जानकारी इस मंदिर को लेकर सामने आ रही है या फिर जब जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी वहाँ पहुँचे हैं तो उनका दौरा कितना और ज़्यादा तेज़ी लाएगा काम में? और तमाम इससे पहले अगर बात करें तो लंदन दौरे पे उसके बाद समय दुबई दौरे में है और जहाँ तक अबू धाबी की अगर बात की जाए तो जो यहाँ पर मंदिर बन रहा है वहाँ पर पहुंचे, वहाँ पर उनका निरीक्षण किया है क्योंकि ये निर्माण मंदिर है। और ये भी जो अभी एक सिटी के तौर से जो यहाँ पर जो मंदिर हमें यहाँ बनाया जा रहा है उसका निरीक्षण आज उन्होंने किया है और साथ ही साथ अगर इन कई शुभकामनाएं भी दी हैं उसकी बहुत अपने आप में काफी सच की बात है कि जिस तरह से धरती पर और जिस तरह अबू धाबी में मंदिर का निर्माण किया जा रहा है सनातन के लिए भी काफी खुश होने की बात है। और ऐसे में जो लगातार इसको लेकर की मंत्री इस समय दौरा कर और आज उनका वापसी का दिन है और वापसी में जो रहा है 5,000 आज ज्यादा जो ठीक है हरीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।